अब शामिल करते हैं चीचा वतनी से। 60 साल बूढ़े की 12 साल अब नॉर्मल बच्ची से ज़्यादा। तफसील के मुताबिक पुरानी चीचा वतनी में 60 साल मोहम्मद खान जोया की 12 साल अब नॉर्मल यतीम बच्ची से ज़्यादा। एन शाहिद के मुताबिक बच्ची गली से गुजर रही थी कि मोहम्मद खान ने बच्ची को चीज़ देने का लालच देकर अंदर ले जाकर बच्ची को ज़्यादा का निशाना बना डाला। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर पड़ोसी लड़की ने बच्ची को बेहोशी की हालत में बरहना पाया और लड़की को कपड़े पहनाने में मसरूफ़ हो गई। इसी का फ़ायदा उठाया सफाक मुलज़िम मोहम्मद खान जोया ने, लड़की को धक्का देकर फरार हो गया। इसके बाद 15 पर कॉल करने से पुलिस ने मौके पर पहुँच कर शाहिदीन के बयान और सबूत इकट्ठा कर लिए। बच्ची का मेडिकल करवा के फ्रांसिक के लिए भेज दिए गए और मुलज़िम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी गई, लेकिन मुलज़िम की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। मज़लूम यतीम बच्ची की वालदा और चाचू की DPO साहिवाल आई जी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पंजाब से इंसाफ़ की अपील और ऐसे मुलज़िम को सख्त से सख्त सजा देने की दरख्वास्त। रिपोर्ट मलिक नासिर अब्बास, तहसील रिपोर्टर, पाक 99 न्यूज़, चीचा वतनी। अच्छा ये बताइएगा कि वो जो आदमी है जिसने ज्यादती की है उसका नाम क्या है? जी खान मोहम्मद है। खान मोहम्मद है, और वो कहाँ रहता है? यही पे रहता है। ये आपके करीब ही रहता है? करीब ही रहता है। तो ये कल किस टाइम का ये वाकया है जब बच्ची के साथ उसने ज्यादती की? 12-1 बजे कल। तो उसके बाद कोई आपके पास एविडेंस है, किसने देखा है उसको? ये हमारी रिश्तेदार है। अच्छा उसने देखा है उसको? उसकी जो बहन है उसके जिसकी माँ से उसके उसने निकाला, मैं तो घर भी नहीं थी, काम लोग का काम करने गई। ठीक हो गया, तो वो कल से फरार है? जी कल से फरार है। जी मैं थोड़े पे लेट कर दी पई, मेरे ये तीन बच्चे हैं, इनको हेल्प करो। मैं ज्यादती है ना की थी ना बार दी आप से नहीं आंदी पाई, सारे अफसर ना आंदी पाई, मेरी हेल्प करो, इन्हें सजा मिली जाए। मेरा मियाँ को होता है, मैं दंडक चवाणी पे यतीम हूँ, मेरा गल्ला लो तो मेरे दी मेरा करो ना, कोई ने मेरा थिया। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए पाक 99 न्यूज़ HD।